हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, बिल्कुल क्रीमी और शाही सा रेस्टोरेंट स्टाइल। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे मलाई कोफ्ते के लिए। इसमें हम एक टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और एक टेबलस्पून ही इसमें हम बटर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो तेज पत्ते इसमें डाल देंगे, दो हरी इलायची इसमें हम डाल देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक, 7 से 8 लहसुन के इसमें हम पीस डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मलाई कोफ्ते की ग्रेवी को शाही बनाने के लिए इसमें हम 10 से 15 काजू के पीस डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक के इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। देख लेते हैं, अभी सभी चीज़ें पक गई हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे मिक्सर के जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। तेज पत्ता और दालचीनी को हटा लेंगे, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा ग्रेवी का, और एक ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेंगे। अब हम मलाई कोफ्ते के लिए कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं उनको भी ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया था इसमें हम डाल देंगे। डेढ़ चम्मच इसमें हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए डो तैयार कर लेंगे इसका। डो रेडी हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। चाहे तो आप इसे सर्कल शेप में बना सकते हैं या फिर इसे ओवल शेप देकर इस तरह से बना सकते हैं। सारे कोफ्तों को इस तरह से ओवल शेप में बना लिया। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भी भर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। अब हम जितने कोफ्ते इसमें आ सकते हैं उतने डाल देंगे। कोफ्तों को हम मीडियम गैस पर डालेंगे। जब ये हल्का सा सिक जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी बचे कोफ्तों को भी तैयार कर लेंगे। अब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी टमाटर प्याज की, इसको छन्नी से छान लेंगे जिससे कि इसमें जो भी प्याज और टमाटर के रेसे रह गए हों वो अच्छे से छन जाए और जो हमारी कोफ्ते के लिए ग्रेवी है वो बिल्कुल क्रीमी सी बनेगी। पानी डाल के थोड़ा सा और छान लेंगे इसको। सारी ब्यूटी को छन्नी से छान लिया है। अब हम धीमी धीमी आंच पर ग्रेवी को 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, इसमें अगर पानी डालना है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें।
एक टेबल स्पून इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मलाई कोफ्ते का। ग्रेवी में थोड़ी सी शुगर डालेंगे, शुगर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे, जिससे कि कोफ्ते बिल्कुल क्रीमी और शाही से लगेंगे। क्रीम डालने के बाद हम तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। जब भी हम कोफ्तों को सर्व करें तो सबसे पहले हम कोफ्ते प्लेट में रखें, फिर उसके ऊपर से ग्रेवी डालें। कोफ्तों को हमेशा तुरंत ही सर्व करना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल मैसी मैसी से हो जाएंगे। जब भी हम खाने जा रहे हों तभी हम कोफ्तों को प्लेट में डालकर ऊपर से ग्रेवी डालकर ही सर्व करें। हमारी क्रीमी शाही मलाई कोफ्ते बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो गए हैं। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम गार्निश करेंगे, थोड़ी सी धनिया डालेंगे इसमें, बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी शाही कोफ्ते बन गए हैं।